पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में जहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू में अलग अलग इलाकों में इस वक्त धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर आज बजरंग दल की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। आप साफ तौर पर यह तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आपको पता चले कि पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से आक्रोश और गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां पर एक कायराना हरकत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के हाय हाय के नारे भी लगाए गए और पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया है। इसको लेकर राकेश के आगे क्या कुछ कहना है उन्हीं से बातचीत करते हैं। पूंछ के अंदर भाटादूड़ी जंगल के हाईवे के ऊपर घात लगाकर आतंकवादियों ने सेना के एक गाड़ी के ऊपर जो है हमला किया है। पहले गोलियां बरछाई, उसके बाद जो है उसके ऊपर ग्रेनेड अटैक किए गए जिससे गाड़ी में आग लगी और हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। इससे पहले 2021 में भी इसी प्रकार से हमारी सेना के जवानों के ऊपर हमला हुआ और तब भी एक सूबेदार समेत 5 जवान जो है वो शहीद हुए। उसके बाद एक महीना सर्च ऑपरेशन चला, उसके दौरान भी गोलाबारी हुई और हमारे कुछ जवान शहीद हुए और लगातार हमारे जवानों की शहादत जो है वो पुंछ के अंदर इस जंगलों के बीच में हो रही है। कौन लोग हैं जो इन आतंकवादियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इनको धन मुहैया करवा रहे हैं? कौन इनको स्थान मुहैया करवा रहे हैं? उन लोगों को भी सामने लाने का जो है बस समय है इस समय। और केंद्र सरकार को खुली छूट हमारी सेना को देनी चाहिए ताकि हमारी सेना इस बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान की सीमाओं को भारत के अंदर मिलाते हुए लाहौर के अंदर तिरंगा फहराने का काम करे, क्योंकि पाकिस्तान भूखनंगा हो चुका है। वो कटोरा लेकर विदेशों में घूम रहा है पैसे के लिए, आज उसके पास कुछ नहीं है और आज वो विदेश उनकी जो पाकिस्तान की सरकार है और वो भारत के साथ दोस्ती चाहती है। अरे दोहरी राजनीति किस लिए? मई के महीने में गोवा के अंदर उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं जिसकी हम कड़ा विरोध करते हैं और केंद्र सरकार को आगाह करते हैं कि एक तरफ हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ ये मेहमान नवाजी के लिए जो है ये गोवा के लिए अंदर आ रहे हैं विदेश मंत्री। इनकी कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। ऐसे लोगों को हमारे भारत की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। हम खून का बदला खून से चाहते हैं, हमारे 5 के बदले हम 500 का सर चाहते हैं। हमारी सेना कर सकती है, सक्षम है और हमें ये चाहिए कि केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार हमारी सेना को खुली छूट दे ताकि हमारी सेना जो है पाकिस्तान की सरहदों को भारत के अंदर मिलाते हुए अखंड भारत का निर्माण करने की ओर अग्रसर हो और पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को फिर से भारत का हिस्सा बनाने का काम करे। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पाकिस्तान जो है G20 को बाधित करने का काम कर रहा है। हमारी सेना इतनी सक्षम है, वो यह मीटिंग जो है यह सम्मेलन जो है ये होकर रहेगा। पाकिस्तान चाहे जो कुछ मर्जी कर ले, यह रुकने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान को आने वाले कुछ दिनों में इसका जवाब भी मिलने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र सरकार हमारे इन 5 सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लेगी और खून का बदला खून से लेकर 5 के बदले 500 के सर जो है हमारे सैनिक काटने में जो है वो जरूर कामयाब होंगे। राकेश जी, जिस तरीके से पुलवामा अटैक देखने को मिला था, कहीं ना कहीं साजिश जो है उसी प्रकार की रची जा रही थी। देखिए, पुलवामा अटैक होता 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन आजकल में एक राजनीति उसके ऊपर खेली जा रही है। सत्यपाल मलिक यहाँ पर गवर्नर रहे, उनका मुंह नहीं खुला। आज उन्होंने उन 40 जवानों की शहादत के ऊपर का अपमान करने का काम जो है वो बाहर बैठे किया, जिससे कि विपक्षी दल आज इसको मुद्दा बनाकर जो है राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पहले भी कहा, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम सैनिकों की शहादत के ऊपर राजनीतिक रोटियां इनको नहीं सेकने देंगे। सैनिक हमारा मान है, सम्मान है, तिरंगा हमारा मान है, सम्मान है। इसके ऊपर राजनीति करना, देश की जनता इनको जवाब देगी। तो इसलिए जो लोग आज पुलवामा की बात लेकर सड़कों के ऊपर हर हल्ला कर रहे हैं जी। उनको हम आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी दे रहे हैं कि अपने मुंह बंद कर लीजिए, हमारे सैनिकों के शहादत का अपमान न कीजिए, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब इनके घरों के अंदर घुसकर कर हम देंगे। वहीं पर आप साफ तौर पर सुन चुके हैं जिस तरीके से ये बड़ा हमला जो है पुंछ जिला में देखने को मिला, आतंकी हमला जहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू के अलग अलग इलाकों से धरना प्रदर्शन देखने को मिला जहां पे आक्रोश और गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसको लेकर बजरंग दल राकेश के क्या कुछ कहना है आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।